गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 5, सेंस ऑफ साइट। जो जो आँखों से दृष्टि होती है उसका सेंस ऑफ साइट है। बर्ड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट। जो पक्षी होते हैं उनकी बहुत ही दृष्टि होती है, बहुत ही मजबूत भावना की होती है। देयर आईज आर लार्ज एंड प्रोड्यूस लार्ज शार्प इमेजेस स्पेशली ड्यूरिंग फ्लाइट। उनकी आँखें हैं वो बड़ी ही और बड़े तेज चित्रों का उत्पादन करती है, विशेष रूप से जब वो फ्लाइंग करते हैं, फ्लाइट उड़ते हैं जब आसमान के अंदर, तो उनको हर जो शार्प तेज जो इमेज होती है वो सारी के सारी दिखाई देती है। ईगल्स हवाक्स एंड वल्चर्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे। जो बाज और जो गिद्ध हैं वो अपने को कोई भी चीज़ होगी उसको कई किलोमीटर तक देख सकते हैं। एंड नॉक्चुरनल एनिमल्स हैव द बेस्ट नाइट विजन। जो निशाचर जो जानवर होते हैं उनको सबसे अच्छी रात की सबसे अच्छी दृष्टि होती है। दे इंक्लूड कैट्स माइस बैट्स ओवल्स एंड मॉथ्स। उनमें क्या होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, चूहे होते हैं, चमगादड़, उल्लू और पतंगे क्या होती हैं, शामिल होती है। फ्लाइज एंड हनी बीज हैव ए पेयर ऑफ कंपाउंड आईज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेंसेस। जो मक्खियों के बीच की एक जोड़ी यौगिक होती है, उनकी आँखें यौगिक होती है, जो क्या होती है, हजारों लेंसों से बनी हुई होती है। द इमेजेस रिसीव्ड बाय ऑल दीज आर पुट टुगेदर इन द इंसेक्ट्स ब्रेन टू गिव इट ए कंप्लीट इमेज। ये क्या है, इन सभी प्रकार के प्राप्त छवियों की को कीट की मस्तिष्क में एक साथ रखा जाता है ताकि वो क्या ना हो, पूरे उसमें क्या होती है, पूरी छवि मिल सके। डू एनिमल्स स्लीप, क्या एनिमल्स होते हैं वो सोते हैं। लाइक एनिमल्स ऑल्सो नीड टू रेस्ट एंड स्लीप। और जैसे कि ताकि मतलब होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनको आराम करने की भी, सोने की और आराम करने की जरूरत भी होती है। डिफरेंट एनिमल्स स्लीप इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग वे के अंदर सोते हैं। काउ स्लीप विद देयर आईज ओपन। जो गाय होती है वो क्या है कि आंखें खोल के क्या कहते हैं सोती है। एंड बैट्स स्लीप हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम ए ब्रांच ऑफ ए ट्री। जो बैट्स होती हैं वो क्या है कि मतलब चमगादड़ जो होते हैं वो एक पेड़ की शाखा से उल्टा लटक कर क्या होते हैं, सोते हैं। हॉर्सेस स्लीप व्हाइल्स लैंडिंग। हॉर्सेस जो घोड़े होते हैं वो खड़े होके सोते हैं। और मिग्रेटरी बर्ड्स स्लीप व्हाइल फ्लाइंग। जो मिग्रेटरी होते हैं वो प्रवासी होते हैं, जो पक्षी होते हैं वो उड़ते हुए सोते हैं। एनिमल्स प्रोडक्ट्स, जो कि एनिमल्स होते हैं पशुओं का उत्पादक। वी गेट फूड एंड क्लॉथिंग फ्रॉम एनिमल्स। हम एनिमल्स से खाना और कपड़े मिलते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। काउ बफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क। जो काउ और बफेलो और बकरी है वो हमें दूध देती है। वी गेट एग्स फ्रॉम हैन एंड डक। हम मुर्गियों और बकरियों के बतखों से हमें क्या मिलते हैं, अंडे मिलते हैं। हैन गोट्स एंड फिश प्रोवाइड अस मीट। जो हैंस जो मुर्गियां और गोट्स बकरियां और मछली के क्या होते हैं, अपने को मीट मिलता है उनसे। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। हम भेड़ से ऊन प्राप्त मिलता है हमें। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। हमें रेशम के कीड़ों से क्या मिलता है, रेशम मिलता है। नेक्स्ट पेज। लीदर इज अवॉइडेंट फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक स्नेक क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा। जो चमड़ा होता है वो सांप और मगरमच्छ आदि जानवरों की त्वचा से प्राप्त किया जाता है। पीरल इज अवॉइडेंट फ्रॉम ऑयस्टर्स। जो मोती होते हैं वो सीप से प्राप्त किए जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक हॉर्सेस
कैमल्स, एलिफेंट एक्सेट्रा आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। जो कुछ जो जानवर होते हैं जैसे घोड़े जैसे जानवर होते हैं, ऊँट होते हैं आदि, हाथी होते हैं आदि, उपयोग परिवहन के साधन के रूप में क्या किया जाता है। एनिमल्स इन डेंजर, जो होते हैं जानवर होते हैं वो कि पशुपालक जो जानवर होते हैं वो डेंजर भी होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड फॉर फर, स्किन, बोन्स, हॉर्न्स, टीथ एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ बॉडी पार्ट्स। जो पशुपालक जो जंगली जानवर होते हैं वो फर, त्वचा, हड्डियों, सींगों और शरीर के अन्य अंगों के लिए क्या किए जाते हैं, मारे जाते हैं। दीज सॉल्ट्स हैव हाई प्राइसेस, इनके क्या होता है, इनको ऊंचे दामों में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। सच इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स और इज कॉल्ड पॉचिंग। अपने शरीर के अंगों के लिए जानवरों की ऐसी अवैध हत्या को अवैध शिकार कहा जाता है। पॉचिंग हैज लेड टू एक्सटेंशन ऑफ मैनी एनिमल्स, अवैध शिकार के कारण कुछ जानवर जो होते हैं, कई जानवर हैं वो बहुत शिकार हुए हैं इसके। एनिमल्स लाइक एलिफेंट, हाथी, टाइगर, रेनहर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक एंड मस्क डियर आर फेसिंग द फियर ऑफ एक्सटेंशन। जो हाथी, बाघ, गेंडा, महान भारतीय बस्टर्ड, काला हिरण और क्रूस्त्री मृग जैसे जानवर जो है विलुप्त होने के कगार पे है या डर है उनको, दे आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स। इन्हें क्या बोला जाता है कि उन्हें लुप्त प्राय जानवर कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, टाइगर्स आर बींग हंटेड फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स। जो शिकार हुए हैं, बाघों के शिकार हुए हैं वो पिछले कई वर्षों से किए जा रहे हैं। हैंस देयर नंबर हैज़ बीन गोइंग डाउन एट एन अलार्मिंग रेट। इसीलिए उनकी जो संख्या है खतरनाक दर से क्या जा रही है, नीचे जा रही है। टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973। इसलिए जो है जो बाघों की जो सुरक्षा है, सुरक्षा के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। द गवर्नमेंट हैज सेट अप टाइगर्स रिजर्व इन इंडिया टू प्रोजेक्ट टाइगर्स। जो सरकारों ने बाघों की सुरक्षा के लिए कुछ अभयारण्य भी क्या किए हैं, स्थापित किए हैं। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, हम जो जंगली जानवर हैं उनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। वी नीड कॉन्सिक्यूसली प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। फॉलो दीज स्टेप्स, जो अपने आवास में, प्राकृतिक आवास में पौधों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियों को सचेत रूप से संरक्षित करने की क्या है, अपने को क्या है आवश्यकता है। कीप ए चेक ऑन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, उनके जो मानव जनसंख्या की वृद्धि की जांच रखें। सेट अप नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड सैंक्चुअरीज, जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य हैं वो क्या करें, स्थापित करें। स्टॉप अदर्स फ्रॉम किलिंग इंडेंजर्ड एनिमल्स अननेसेसरी, जो मतलब दूसरों को बेवजह जो लुप्त प्राय जो जानवर मारे जा रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करें। पुट ए बैन ऑन सेल और एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट ओबिटेंट इंडेंजर्ड, जो एनिमल्स जो लुप्त प्राय एनिमल्स हैं उनके जो भी बैन, जो एक्सपोर्ट उनके जो भी प्रोडक्ट हो रहे हैं उस पर बैन करें। अंडरटेक एफोरेस्टेशन और अंडरटेकर वन्यकरण करें। नेक्स्ट पेज, आवर डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स, जानवरों पर जो हमारा
जो दृष्टिकोण है वो क्या होना चाहिए, वी ऑल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर वेरियस थिंग्स, सम जो हम जो जानवर जो है दृष्टिकोण है ये हम सभी जो विभिन्न चीज़ों के लिए जानवरों पर क्या है निर्भर हैं, सम पीपल डिपेंड्स ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, जो कुछ जो लोग हैं डिपेंड हैं एनिमल्स जो उनकी जो आजीविका है उनके जानवरों पर ही निर्भर है, एनिमल्स आर कैप्ट केजेस चैन्स, जानवरों को पिंजरे और जंजीरों में रखा जाता है, दे हैव आर इवन बीटन मर्सीलेसली, उन्हें बेरहमी से क्या होता है पीटा जाता है, इन सर्कस मैनी एनिमल्स आर फोर्स्ड टू डू डेंजरस एक्ट, और एक सर्कस के अंदर कई जानवरों को खतरनाक काम करने के लिए क्या किया जाता है मजबूर किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन दैट केयर फॉर एनिमल्स, जो संगठनों के लिए संगठन है वो ध्यान दें, देर आर सम ऑर्गेनाइजेशन दैट केयर फॉर एनिमल्स एंड प्रोटेक्ट देम, यहाँ पे जो संगठन हैं वो कुछ संगठन ऐसे हैं जो जानवरों की क्या करते हैं देखभाल करते हैं और उनकी क्या करते हैं रक्षा करते हैं, पेटा पेटा पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इज द लार्जेस्ट एनिमल्स राइट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन है, इन डिस्कार्स द यूज़ ऑफ लीदर एंड फर प्रोडक्ट एंड यूज़ ऑफ एनिमल्स इन सर्कस एंड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, यह चमड़े और फर के उत्पादों के उपयोग और सर्कस में जानवरों के उपयोग और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए हतोत्साहित करता है, पीपल फॉर एनिमल्स इज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन विच कंपेनिंग टू एंड करली टुवार्ड्स एनिमल्स, जो पीपल फॉर एनिमल्स एक कल्याणकारी संगठन है जो जानवरों के प्रति क्रूरता का क्या है अभियान चलाता है। ओके थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।